तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हेस लॉ को हम लोग यहाँ तक डील किए थे, स्टेटमेंट समझ में आ गया था, इलस्ट्रेशन भी हमने देख ही लिया था, एक एग्जांपल से इसे हम कंफर्म करते हैं कि यह जो हेस लॉ कह रहा है वह सही है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, या फिर बस मनगढ़ंत बातें हैं जो अक्सर होती हैं साइंस में। तो एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी इसका है हेस लॉ का, कि कार्बन को बदलना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन का जो स्टेबल फॉर्म है वो ग्रेफाइट होता है, तो यह कार्बन ग्रेफाइट वाला है। अब यदि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में हमें बदलना है तो एक तरीका हो गया कि कार्बन का डायरेक्ट रिएक्शन करवा दो आप ऑक्सीजन गैस से, C+O2 गैस, तो CO2 गैस बन जाएगा ऐसा। और दूसरा तरीका है कि कार्बन को पहले आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में बदलो, देन कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलो। तो कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलने के लिए तुम्हें रिएक्शन करवाना होगा O2 से, 2-2 कट जाएगा तो C+O CO हो जाएगा, अगेन CO से CO2 बनाना है तो फिर से तुम्हें O2 से रिएक्शन करवाना होगा। इसे आप मान लो प्रोसेस वन। तो यहाँ जो इंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच, एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू है वह है -394 किलो जूल पर मोल, और इन दोनों के लिए जो इंथैल्पी चेंज निकाला गया एक्सपेरिमेंटली, इसे हम डेल्टा एच वन यदि मान लें तो यह है -110.5 किलो जूल पर मोल, और इसे यदि हम डेल्टा एच टू मान लें तो यह है -283.5 किलो जूल पर मोल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, और इसे हम कह दें प्रोसेस टू। सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ कि इंथैल्पी चेंज विल ऑलवेज रिमेन सेम वेदर द स्टेप इज कैरिड आउट डायरेक्टली इन वन स्टेप और इन वेरियस स्टेप्स। तो वही बात हो गया, इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस वन शुड बी इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस टू। प्रोसेस वन में इंथैल्पी चेंज हो रहा है डेल्टा एच, प्रोसेस टू में दो इंथैल्पी चेंज हुआ है तो दोनों को हम सम कर देंगे, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू ऐसा। अब डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ देख रहे हो -394, डेल्टा एच वन इज -110.5 प्लस फिर यहाँ -283.5, तो -394 -110.5 प्लस -283.5 सॉल्व करोगे शायद उतना ही आ जाएगा, 394 इधर भी 394, देखो सेम ही हुआ ना, कहाँ फ़र्क पड़ा, फ़र्क कहाँ पड़ा, हम डायरेक्टली CO2 बनाए C+O2 करके, या फिर पहले मोनोऑक्साइड बनाए देन डाइऑक्साइड बनाए, फ़र्क कहाँ पड़ा बता। तो इंथैल्पी चेंज तो सेम ही आया ना, डायरेक्ट बनाए फिर भी एनर्जी निकल रहा था 394, और दो स्टेप में किए फिर भी टोटल तो उतना ही निकला, अलग अलग स्टेप में अलग अलग निकला, लेकिन हम तो ओवरऑल देखेंगे ना तो उतना ही निकल रहा है। सो दिस इज द हेस लॉ। तो अब हेस लॉ यदि हम समझ गए तो बॉर्नहेबर साइकिल की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं, बॉर्नहेबर साइकिल की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। और उसे देखते हैं, बॉर्नहेबर साइकिल, बॉर्नहेबर साइकिल क्या बताए थे, बॉर्नहेबर साइकिल है क्या, तो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द लैटिस इंथैल्पी। और लैटिस इंथैल्पी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि गैसियस केटायन और गैसियस एनायन जब आपस में मिल करके आयोनिक सॉलिड बनाते हैं, गैसियस केटायन और गैसियस एनायन जब आपस में मिल करके आयोनिक सॉलिड बनाते हैं तो यहाँ से जो इंथैल्पी चेंज करेगा, जो एनर्जी रिलीज होगा, वही था लैटिस इंथैल्पी। इसका मतलब ये हुआ कि लैटिस इंथैल्पी तब होगा जब कोई गैसियस केटायन और गैसियस एनायन आपस में मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अब हमने पढ़ा है कि केटायन बनते हैं मेटल्स से, मोस्ट ऑफ द मेटल्स या मैक्सिमम सारे के सारे मोनोएटॉमिक हैं, सिंगल, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो सब के सब सॉलिड भी हैं।
जबकि एनायन जो है नॉन मेटल से बन रहे हैं, नॉन मेटल से बन रहे हैं। नॉन मेटल बेसिकली जो कॉमन नॉन मेटल्स हैं डायटॉमिक हैं, कॉमन नॉन मेटल जो है जैसे ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, ऐसे लिखते हैं हम। और ये सबके सब गैसेस हैं, गैसियस। अब मोनोएटॉमिक जैसे सोडियम का तो हम केवल Na लिखते हैं, पोटासियम का K लिखते हैं, एल्युमिनियम का Al लिखते हैं, मैग्नीशियम का Mg लिखते हैं, ऐसा करके। तो गैसियस केटायन गैसियस एनायन के मिलने से आयनिक सॉलिड बना। केटायन मेटल से बनता है, मेटल मोनोएटॉमिक नेचर का है, सिंगल रहेगा सॉलिड के फॉर्म में। एनायन नॉन मेटल से बनता है, नॉन मेटल बेसिकली डायटॉमिक है, गैसियस फॉर्म में है, ऐसे। अब इसी का यूज करके हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, तो सोडियम क्लोराइड हम लोग जान रहे हैं एक सॉलिड सब्सटेंस है, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। तो सोडियम क्लोराइड यदि यहाँ एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो यह सोडियम क्लोराइड बना किससे है भाई, तो सोडियम और क्लोरीन से मिलके, सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। मेटल के बारे में हमने लिखा है मोनोएटॉमिक है, सॉलिड के फॉर्म में है। तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे सोडियम सॉलिड। क्लोरीन के बारे में हमने क्या लिखा, क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन जो है नॉन मेटल डायटॉमिक गैसियस, तो आप लिखोगे Cl2 गैस। और ये आपस में मिल करके बनाने वाले हैं NaCl जो होगा सॉलिड। बैलेंस करो, एक सोडियम दो क्लोरीन एक, तो यहाँ 1/2 लगाया जा सकता है। एक तरीका और था बैलेंस करने का कि दो NaCl2 2 NaCl, लेकिन वैसा करने से NaCl का दो मोल बनता, जबकि डेफिनेशन लैटिस एनर्जी का था कि एक मोल आयनिक सॉलिड जब बने, तो हमें प्रयास करना है कि यहाँ एक मोल रखें। इसके लिए इधर जो करना है आप कर दो। अब याद करो पीछे हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को पढ़ा है कि जब कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट से मिलकर के बने, ऑब्वियसली वह एलिमेंट उसका स्टेबल फॉर्म में होगा, तो जब कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट से मिलकर के बनता है तो उस दरमियान जो एनर्जी रिलीज होगा, जो एंथैल्पी चेंज करेगा, उसी एंथैल्पी चेंज को हम लोग कहते थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड अपने एलिमेंट से मिलकर बन रहा है ना, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बन रहा है, तो इस दरमियान जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH। और स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो वहाँ हम लोग साइन लगा देंगे स्टैंडर्ड वाला। तो ये डायरेक्टली हुआ कि सॉलिड सोडियम और गैसियस क्लोरीन को आप कंबाइन करके सॉलिड सोडियम क्लोराइड बना दिए एक स्टेप में। अब इसी को यदि हम लोग लैटिस एनर्जी के माध्यम से समझेंगे, एक बात और कि यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रहा है क्या इसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन था गैसियस केटायन और गैसियस एनायन मिलेंगे। कहां तुम्हें केटायन एनायन दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इस एनर्जी को हम लैटिस इंथैल्पी नहीं कहेंगे, इसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। लैटिस इंथैल्पी के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन ये होने चाहिए। चलो नहीं है तो बदलेंगे हम लोग, सॉलिड सोडियम है इसे हम गैसियस में बदलना चाहते हैं, तो सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलते हैं, एनर्जी चेंज करता है, क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो यहाँ से S मीन्स सब्लिमेशन एनर्जी, वह एनर्जी जो सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदले, या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद इसे हम बदल दें आयन में। अब चूंकि सोडियम मेटल है, केटायन बनाएगा, केटायन बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन लॉस से। अब इलेक्ट्रॉन लॉस तो अपने होगा नहीं, उसके लिए एनर्जी देना होता है जो कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी सब्सटेंस को केटायन में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू प्रोवाइड द आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी तुम्हें देना होगा। कितना दोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 281, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर एक प्लस आएगा। ऐसा करने से एनर्जी लगा ना, अपने आप थोड़े हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी। सब्लिमेशन दिए तो सॉलिड बदला गैस में, आयनाइजेशन एनर्जी दिए तो फिर एटम से बदल गया आयन में, तो गैसियस केटायन बन गया। एक काम हुआ हम लोग का, गैसियस केटायन गैसियस एनायन में कन्वर्ट करना है। देखो गैसियस फॉर्म में पहले से है तो गैस में कन्वर्ट करने का जरूरत है नहीं, बस इसको तोड़ोगे, डिसोसिएशन एनर्जी दोगे। क्यों तोड़ोगे, क्योंकि क्लोरीन यहाँ मॉलिकुलर फॉर्म में है Cl2। हम लोग जान रहे हैं कि भले ही कोई सब्सटेंस मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करे, लेकिन रिएक्शन हमेशा एटॉमिक फॉर्म से होता है, तो
तो सबसे पहले वह मॉलिक्यूल टूट करके एटम में बदलेगा, उसके लिए उस एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो ये Cl-Cl के बॉन्ड को तोड़ना होगा, तब जा करके ऐसे अलग होगा और फिर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड डी, मीन्स डिसोसिएशन एनर्जी डी। तो इसे हम डिसोसिएशन एनर्जी देने वाले हैं। तो डिसोसिएशन एनर्जी देंगे कितना, तो जितना मोल Cl2 है, हाफ मोल है तो हाफ। टूट करके कितना क्लोरीन बनेगा, एक। कैसे एक बनेगा, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई भी तो है, तो 2-2 खत्म हो जाएगा तो वन ही बनेगा। अभी गैसियस एलिमेंट हो गया। अब क्लोरीन नॉन मेटल है, इसे एनायन में बदलोगे। एनायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होने से। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होता है जनरली, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी के नाम से जानते हैं। कितना एनर्जी रिलीज होगा वो तो एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब क्लोरीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए एक ही गेन करेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन के पास माइनस भी एक आने वाला है। और एक माइनस मतलब कि एक बार इंथैल्पी चेंज करेगा, डेल्टा ई जी एच। अब टारगेट पूरा, गैसियस कैटायन बनाना था हमें, बना लिया। गैसियस एनायन बनाना था, वो भी बना लिया हमने। अब ये गैसियस कैटायन और एनायन आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, आयनिक सॉलिड, ये वाला। तो इसी को ऐसे घेर दो, ऐसे ये। और इस दरमियान जो इंथैल्पी चेंज करेगा वही कहलाएगा लैटिस इंथैल्पी। तो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं यू। तो अब हम इसे कहेंगे प्रोसेस वन, इसे कहेंगे प्रोसेस वन, और इस पूरे को अब हम कहने वाले हैं प्रोसेस टू। ऐसे तो दोनों तरीके से हमने सोडियम क्लोराइड ही बनाया, दोनों तरीके से हमने सोडियम क्लोराइड ही बनाया। बस यहाँ डायरेक्ट बन गया एक स्टेप में, और यहाँ जो है बहुत सारे स्टेप्स लगे, 1, 2, 3, 4, 5। रिजल्ट तो वही है कि चले सोडियम क्लोरीन से पहुँचे NaCl तक, यहाँ डायरेक्ट पहुँचे और यहाँ फिर अलग अलग कहानी की है कि सॉलिड को गैस में, मॉलिक्यूल को एटम में, फिर आयन, तब जा करके। हेस लॉ क्या कह रहा है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन तुम कर रहे हो तो भाई इंथैल्पी चेंज उसका सेम होगा, और स्टेप पे डिपेंड नहीं करने वाला है। तो इसका मतलब जो यहाँ दो प्रोसेस हैं, इन दोनों प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज क्या होने वाला है, सेम। तो अब यहाँ हम लोग हेस लॉ अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ हेस लॉ अप्लाई करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस वन, इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस वन बराबर होगा इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस टू। प्रोसेस वन में इंथैल्पी चेंज है डेल्टा एफ एच, प्रोसेस टू में इतने सारे हैं तो सब जोड़ देंगे, एस प्लस 1/2 डी प्लस IE प्लस डेल्टा ई जी एच प्लस यू। हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी यू, तो जब यू निकालोगे तो ये सारे टर्म्स यू के साथ प्लस में हैं, इसके साथ माइनस में हो जाएंगे। तो डेल्टा एफ एच माइनस एस प्लस 1/2 डी प्लस IE प्लस डेल्टा ई जी एच। न्यूमेरिकल जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा, वहाँ इन सारे टर्म्स के वैल्यूज़ गिवन रहेंगे, एस डी आई सबका वैल्यू दिया रहेगा, यू निकालना होगा। अब इतना में से कोई भी एक वैल्यू निकाला जा सकता है, जो इतने सारे टर्म्स देख रहे हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी पांच का दे देगा, छठा निकालने बोलेगा। हो सकता है सब लैटिस इंथैल्पी भी दे करके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने बोले, हो सकता है सब दे करके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निकालने बोले, सब्लिमेशन निकालने बोले। 6 में से कोई भी 5 टर्म्स के वैल्यूज़ दिए रहेंगे, छठा तुम्हें निकालना होगा। तो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस पर तो देखेंगे। अभी कुछ और हम लोग देख लें, बॉर्न हैबर साइकिल। अब ये जो डायग्राम बना, इसी को तो हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं ना, साइक्लिक बन रहा है। दिस इज बॉर्न हैबर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड। चलो ऐसा ही हम लोग कुछ और देख लें, बॉर्न हैबर साइकिल। रिविजन हो रहा है, इस टॉपिक को पूरी तरीके से हम लोग किए हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन वहाँ न्यूमेरिकल नहीं देखे थे, तभी न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। पहले डायग्राम बनाना सीख लें,
क्योंकि फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा और फार्मूला बिना डायग्राम का तो आता ही नहीं। तो चलो नेक्स्ट MgF2 के लिए बनाना हो। मैग्नीशियम इज मेटल विच इज मोनोएटॉमिक एंड सॉलिड, फ्लोरीन इज नॉन मेटल विच इज डायटॉमिक एंड गैसियस, एंड दिज कंबाइन टू फॉर्म MgF2 विच इज आयनिक सॉलिड। हेयर इंथैल्पी चेंजेस डेल्टा FH। इक्वेशन बैलेंस्ड है, एक मैग्नीशियम एक, दो फ्लोरीन दो, सब कुछ ठीक ठाक चलते आ रहा है। ये तो डायरेक्टली एक स्टेप का हुआ ना, पांच स्टेप की बात करें। अब हम लोग सॉलिड को बदल रहे थे किस में भाई, गैस में। फिर इसे क्या कर रहे थे, आयन में बदल रहे थे। अब मैग्नीशियम का यहीं पे ध्यान देना है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो कॉन्फ़िगरेशन 282, मतलब वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली ये दोनों लूज करने वाला है मैग्नीशियम। अब पीछे का चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हुए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक बार में लूज गेन नहीं करता, एक एक करके लूज भी करेगा, एक एक करके गेन भी करेगा। तो यदि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पहले एक देन दूसरा, और पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहाँ जो एनर्जी देना होगा उसे हम लोग क्या कहते थे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर सेकेंड बार में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहाँ जो एनर्जी देना होगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हो ना, आयोनाइजेशन एनर्जी का चक्कर है यहाँ। तो ओवरऑल यहाँ मैग्नीशियम पे दो प्लस होने वाला है ऐसा, और दो प्लस होने वाला है तो दो बार आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज करेगा, तो इसे हम लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऐसा। अब इधर आ जाओ, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है डिसोसिएशन एनर्जी दोगे कितना, जितना मोल F2 है तो एक मोल है तो एक ही मोल रहेगा, टूट करके बनाएगा फ्लोरीन एटम 2F। F2 और 2F में अंतर हुआ ना, F2 का मतलब हुआ F में बॉन्ड है या एक मॉलिक्यूल है, और 2F का मतलब हुआ F प्लस F है जो एटम है, टूटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके लिखोगे। अब फ्लोरीन जो है एनायन बनाएगा, कितना माइनस होगा भाई, तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना गेन करेगा तो 8 में जितना कम पड़ेगा, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 2 और 7। 8 करने के लिए इसे मात्र चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो जब यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस इस पे एक आएगा, लेकिन टोटल तो हमने दो मोल फ्लोरीन लेके रखा है तो दो मोल बनेंगे ना। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है फ्लोरीन, तो हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से एनर्जी रिलीज होता है जिसे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कहते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी यहाँ लिखोगे डेल्टा EGH, एक मोल फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इतना एनर्जी चेंज किया, यहाँ तो टोटल दो मोल्स हैं तो यहाँ आप दो लगाओगे, ठीक है। गैसियस केटायन बन गया, गैसियस एनायन बन गया, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिल करके ये वाला सॉलिड बना देंगे, और यहाँ जो एन्थैल्पी चेंज करेगा लैटिस एनर्जी यू। दिस इज द बोर नेवर साइकिल। अब यदि यहाँ हेस लॉ अप्लाई करोगे तो प्रोसेस वन का जो इंथैल्पी चेंज है डेल्टा FH बराबर होगा इन सब का, सॉरी यहाँ हमने सब्लिमेशन एनर्जी नहीं लिखा, S प्लस T प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा EGH प्लस U। फिर U निकालोगे तो इधर माइनस में हो जाएगा सर। इतना तक करना है, बॉर नेवर साइकिल ड्रॉ करना है और इसके फॉर्मुलेशन तक हमें जाना है। नेक्स्ट देखें, जैसे मान लो Al2O3 के लिए देखना हूँ मैं, Al2O3 के लिए सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखो। एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम है मेटल, और मेटल हमेशा मोनोएटॉमिक होंगे, यहाँ दो है कि तीन है इस सबसे मतलब नहीं है, यहाँ वन ही लिखेंगे, मेटल्स आर मोनोएटॉमिक एंड सॉलिड। प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल है, डायटॉमिक होगा, यहाँ O3 लिखा हुआ उससे हमको क्या मतलब, डायटॉमिक है, हम तो O2 लिखेंगे भाई, हम तो O2 लिखेंगे, डायटॉमिक है, इधर क्या दिया हुआ वो सब बाद में देख लेंगे, और ये मिला करके हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे जो दिया हुआ है Al2O3 सॉलिड। अब बैलेंस करो कि यहाँ एक एल्यूमिनियम यहाँ दो, तो 2 लगा हुआ है,
यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ तीन, तो यहाँ 3/2 लगाओगे। इंथैल्पी चेंज करेगा डेल्टा एफ एच, ये तो डायरेक्टली हुआ ना, एक स्टेप वाला बात हो गया बैलेंसिंग। गलती करने का चांसेस कहाँ कहाँ होता है, एक तो गलती आप करोगे यहाँ प्लस माइनस देने में, आयनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी, और शुरू में गलती यहीं करोगे, देखोगे L2 है तो उतार दोगे L2, देखोगे वो 3 है तो उतार दोगे वो 3। अरे नहीं, मेटल को हम सिंगल ही लिखेंगे, वो बाद में बैलेंस करेंगे जितना दिया है। नॉन मेटल को हमेशा डबल ही लिखेंगे, 3 से कोई मतलब नहीं, वो बाद में समझेंगे। हम यहाँ वो O2 लिखेंगे, यहाँ F2 दिया हुआ था तो डायरेक्ट हमने F2 लिखा, तो वो सोच के ही मत करना कि O3 है तो यहाँ O3 लिखेंगे, नहीं O2 ही लिखेंगे, O3 आ जाएगा बैलेंस करके, जैसे भी बैलेंस करके लाया। आगे बढ़े हम, सॉलिड को बदलेंगे गैस में, सब्लिमेशन एनर्जी S, 2 मोल एल्यूमिनियम है, 2 मोल बनेगा तो सब्लिमेशन एनर्जी भी 2 मोल लगने वाला है। अब इसको लगे हाथ कैटायन में भी बदल लो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, 3, बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों लूज करेगा तो एल्यूमिनियम पे 3+ आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक एक करके, तो आयनाइज एनर्जी भी एक एक करके, आयनाइज एनर्जी 1, 2, 3 ऐसे, तो एल्यूमिनियम पे यहाँ हम लोग देने वाले हैं 3+, और इसके बाद 3+ देंगे तो यहाँ से आयनाइज एनर्जी चेंज करेगा, आयनाइज एनर्जी 1+, आयनाइज एनर्जी 2+, आयनाइज एनर्जी 3। एक एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 बार आयनाइज एनर्जी चेंज हुआ, टोटल एल्यूमिनियम 2 मोल है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 बन गया। गैसियस तो पहले से ही था, इसकी बारी है, डिसोसिएशन देंगे भाई डी, कितना दोगे, जितना मोल O2 है कितना मोल है, 3/2 है, 2 कट जाएगा, कितने ऑप्शन बचेंगे, 3। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, एनायन बनाएगा, नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव आएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 8 में जितना कम है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2, 6, लास्ट में 6, 2 चाहिए ना 8 करने के लिए, 2 गेन करेगा तो माइनस भी कितना आएगा, 2 आएगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक एक करके, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इंथैल्पी चेंज करेगा डेल्टा EgH1, फिर दोबारा गेन करेगा, इंथैल्पी चेंज करेगा डेल्टा EgH2, तो 2 बार लिखना होगा हमें, डेल्टा EgH1 प्लस डेल्टा EgH2, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऐसे 2 बार, टोटल 3 मोल है तो यहाँ भी 3 लिखोगे, यहाँ भी 3 लिखोगे, बन गए गैसियस केटायन, गैसियस एनायन, अब ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद ये बनाएंगे। लैटिस एनर्जी चेंज करेगा यू, अप्लाई कर दो हेस लॉ, तो डेल्टा एफ एच बराबर 2S+3/2D प्लस 2 मोल, आयनाइज एनर्जी 1+, आयनाइज एनर्जी 2+, आयनाइज एनर्जी 3+3 मोल्स डेल्टा EgH1 प्लस डेल्टा EgH2 और लास्ट में प्लस यू, यू निकालेंगे इधर आ करके माइनस में। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो 2 बॉर्नहेवर साइकिल्स बनाए गए 2 अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, एक MgF2 के लिए, दूसरा Al2O3 के लिए, ध्यान से देख के बताओ कि दोनों बॉर्नहेवर साइकिल से जो लास्ट में फॉर्मूलेशन हुआ डेल्टा एफ एच या लैटिस एनर्जी के लिए, क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम है या अलग अलग है? अलग है, बिल्कुल अलग है। तो हम क्या कहें कि एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल आएगा तो सबका डाटा दिया होगा, लेकिन वहाँ तुम्हें फार्मूला चाहिए होगा, और साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि फार्मूला अलग अलग है, और ये फार्मूला आ कहाँ से रहा है, तो बॉर्नहेवर साइकिल ड्रॉ करने से। सो जब तक आप बॉर्नहेवर साइकिल ड्रॉ नहीं करोगे तब तक ये फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, और जब तक फार्मूला नहीं मिले न्यूमेरिकल नहीं, तो न्यूमेरिकल भी आ रहा है मतलब यू हैव टू ड्रॉ द बॉर्नहेवर साइकिल, देन यू विल गेट द फार्मूला, और उसके बाद आप सॉल्व करने वाले हो उसे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 3 एग्जाम्पल्स हमने करा दिए इस पर, NaCl, MgF2, Al2O3, इसके अतिरिक्त कई कंपाउंड्स हैं जिसे आप बनाए होंगे या बनाओगे, जैसे Na2O का प्रयास करोगे बनाने का, Na3N का बना लोगे, AlCl3 का बना लोगे, Mg3N2 का बनाओगे, CaO का बनाओगे, इन सब का बॉर्नहेवर साइकिल बनाओगे, एक बीच में AlN का भी बना सकते हो,
हाँ सर, बस गलती जहाँ होना है उसको हम पहले ही समझा दिए हैं। एक आप यहाँ गलती करोगे तो इसके लिए सोचना नहीं है, बस देखो कितना प्लस माइनस है, वहाँ से चलो। दो प्लस है तो एनएस एनर्जी हम दो बार लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को छोड़ना नहीं है, दो मोल यहाँ तो दो मोल यहाँ, दो मोल यहाँ। वैसे ही यहाँ शुरू से दो मोल था तो दो दो दो, देखो सब जगह चलते आया है। यहाँ थ्री बाई टू लगा दिए तो तीन मोल आया, तो तीन तीन ऐसे करके चलते गए। प्लस माइनस ध्यान रख लोगे अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, और वहाँ से जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक कोई गलती होने का चांस नहीं है। तो इन सब का बॉर्नहेवर साइकिल आप प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली प्रैक्टिस करोगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जब नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बॉर्नहेवर साइकिल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी वहाँ से हम लोग लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, बाकी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।